हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम जो लास्ट लेक्चर में बात करते हैं सोइंग मशीन्स की, सो हमने लास्ट टाइम उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी थी, जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, हमने जैसे गेज हुआ आपका, उसका मटेरियल हुआ, उन सब के बारे में बात की थी। सो आज हम बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप की सोइंग मशीन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे एक एक करके, वो कौन सी होती है, उनको आप क्लासीफाई कैसे करते हो, राइट। सो इसमें हम जो तीन तरह का बेसिक क्लासिफिकेशन रहता है इसका, एक तो होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग शो, नेक्स्ट वन इज बेंड शो, एंड वन इज योर सर्कुलर शो, राइट। सो रेसिप्रोकेटिंग शो जो है वो उसको आप मैनुअल हेक्साज एंड पावर हेक्सा के अंदर बाइफर्केट करते हैं कि जो रेसिप्रोकेटिंग शो है वो मैनुअल हेक्सा भी हो सकती है और पावर हेक्सा भी हो सकती है। सेकेंड वन इज योर बेंड शो विच इज वर्टिकल कट ऑफ और हॉरिजॉन्टल कट ऑफ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कट ऑफ एंड कंटूर, इसके अंदर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एंड जो तीसरी है आपकी, थर्ड वन है, वो आपकी सर्कुलर शो, जिसको कि हम इसके तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉल्ड शो, एब्रेसिव डिस्क शो एंड स्टील फ्रिक्शन डिस्क। सो इनके बारे में हम हल्का हल्का एक ओवरव्यू तो ऑलरेडी पहले जब हमारा जो इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वेरी फर्स्ट लेक्चर था, उसके अंदर हम ले चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको डिस्क्रिप्शन की बातें करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग शो की। तो रेसिप्रोकेटिंग शो को अंदर हमने डिवाइड किया था दो चीजों के अंदर, एक तो किया था हमने मैनुअल हेक्सा के अंदर एंड अदर वन इज योर पावर हेक्सा, राइट। सो जो फर्स्ट वन है मैनुअल हेक्सा, इसका खुद एज इट इज इट्स नेम सजेस्ट कि जो इसका नाम है वो खुद बता रहा है कि इसको अपन मैनुअली हमको उसको ऑपरेट करना पड़ता है, राइट। सो ऑपरेटर्स प्रोवाइड रेसिप्रोकेटिंग मोशन मैनुअली। देन द नेक्स्ट वन इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल वर्क्स, मींस यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो मैनुअली उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है, राइट। तो जब उसको मैनुअली रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे रहा है, टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, तो उससे क्या होगा, जो आपका वर्क पीस है वो आपका कट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बोल दिया मैनुअल हेक्साज, एंड इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क्स ओनली। जो स्मॉल वर्क पीसेज हैं आपके, जब वहां पे हमको कटिंग करनी होती है तो उस केस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, राइट। सो मैनुअल हेक्साज कहां यूज करते हैं, जहां पे आपका जो वर्क पीसेज हैं आपके वो स्मॉल है। नेक्स्ट वन जो है आपका वो है पावर हेक्सा। तो पावर हेक्सा का मतलब ये है कि एक वो मैकेनिकली ऑपरेटेड मशीन, ऑपरेटेड मशीन होगी और जिसके ऊपर आपने क्या किया, शॉप ग्रेड लगा दी, राइट। सो ये देखो, ये आपकी एक पावर हेक्सा है, यहाँ पे आपकी मशीन ऑपरेटेड है, राइट। सो मशीन दैट मैकेनिकली रेसिप्रोकेट ए लार्ज हेक्सा ब्लेड, जो मैकेनिकली एक लार्ज हेक्सा ब्लेड है उसको ऑपरेट करता है, उसको हम बोलते हैं पावर हेक्सा। दीज मशीन कंसिस्ट ऑफ ए बेड, ए वर्क होल्डिंग फ्रेम, ए पावर मैकेनिज्म फॉर रेसिप्रोकेटिंग द सॉ फ्रेम एंड फीडिंग मैकेनिज्म। सो ये जो मशीन है, ये जो मशीन है वो क्या, किससे कंसिस्ट होती है, इनके अंदर एक बेड होता है, ये देखो ये बेड है इसका, ठीक है। वर्क होल्डिंग फ्रेम है, वर्क होल्डिंग जहां पे आप वर्क पीस को होल्ड करते हैं उसकी एक फ्रेम रहेगी, एंड पावर मैकेनिज्म फॉर रेसिप्रोकेटिंग द सॉ फ्रेम। और एक पावर मैकेनिज्म की जो इसको जो सॉ ब्लेड है उसको फीड करने के लिए, रेसिप्रोकेट करने के लिए क्या करता है, एक पावर मैकेनिज्म इसके अंदर रहेगी जो कि सॉ का जो फ्रेम है उसको एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन दे पाएगा, एंड फीडिंग मैकेनिज्म, और उसके अंदर क्या रहेगा, और एक फीडिंग मैकेनिज्म भी रहेगा। टू टाइप्स, क्रैंक ड्रिवन एंड हाइड्रोलिकल ड्रिवन, ये दो तरह की होती है, वन इज क्रैंक ड्रिवन एंड अदर वन इज हाइड्रोलिकली ड्रिवन। फीड इधर बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस बाय द वेट ऑफ सॉ फ्रेम विच एक्सर्ट्स अ यूनिफॉर्म प्रेशर और बाय वेट क्लैंप्ड ऑन फ्रेम। ये क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से काम करता है, इधर बाय इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोड्यूस बाय द वेट ऑफ द सॉ फ्रेम। जो सॉ का फ्रेम है, मतलब सॉ में ब्लेड में इतना वेट नहीं होता, जो सॉ फ्रेम है उसका जो वेट है उसकी ग्रेविटी से काम करता है, विच एक्सर्ट ए यूनिफॉर्म प्रेशर और बाय वेट क्लैंप्ड ऑन फ्रेम। या फिर जो फ्रेम के ऊपर आपने जो वेट क्लैंप किया, तो वो क्या, उसका जो प्रेशर है वो इक्वली उसके ऊपर, यूनिफॉर्मली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट, नॉट डिफरेंशिएशन, वी क्लासिफाई रेसिप्रोकेटिंग शो मशीन इन टू डिफरेंट वेज, वन इज मैनुअल हेक्सा एंड अदर वन इज पावर हेक्सा, राइट। सो ऑन द अदर हैंड, द नेक्स्ट वन We'll talk about is bend saw. Bend saw के बारे में बात करते हैं। So bend saw क्या, most commonly encountered saws, मतलब mainly आपने इसको बहुत commonly इसको use करते हुए आपने देखा होगा। The blade is a continuous metal band with a series of teeth ground into the one edge of its periphery. क्या क्या है कि एक continuous blade है, metal blade है, उसके ऊपर क्या, उसकी जो periphery है outer edge के ऊपर क्या किया है आपने, उसके ऊपर एक side के ऊपर आपने क्या किया है, teeth आपने उसके ऊपर बना दिए, right? Two large wheels are located at opposite end of the saw. दो बड़े बड़े wheels, पुली बोल सकते हैं या फिर wheels बोलते हैं, पुली तो small होती है, बड़े बड़े wheels हम बोल सकते हैं,
वो हम क्या करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर हम लोकेट कर देते हैं, वो सपोर्ट एंड ड्रिवन ड्राइव द स्टॉप लेट, जो दोनों क्या है कि जो स्टॉप लेट है उसको सपोर्ट भी करते हैं और ड्राइव भी करते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये जो वाला पोर्शन है जिस पे अपर व्हील लिखा हुआ, ये अपर व्हील है एंड दिस वन इज लोअर व्हील, राइट। इसके चारों तरफ इनके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर आपकी जो ब्लेड है वो रोटेटेड होगी, इसके ऊपर लगी हुई होगी जब, और इसी के ऊपर क्या पावर ड्रिवन है, इसको मोटर से या फिर स्पिंडोवर से हमने कनेक्ट कर दिया। तो जब आपकी ये व्हील्स रोटेट करेंगे, तो जब व्हील रोटेट करेंगे तो वो स्टॉप लेट को रोटेट करेंगे, और जो वर्क पीस है आपका, जो वर्क पीस है वो उस टेबल के ऊपर रखा हुआ होगा। तो जब वो उस टेबल के ऊपर रखे वर्क पीस के अंदर से पेनिट्रेट करेंगे तो क्या होगा, वो उसकी कटिंग हो जाएगी। मेनली आपने इसका एग्जाम्पल के तौर पर, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जब बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो हमारी आरा मशीन कौन सी होती है, जहां पे अपन लकड़ी का पेड़ काट के ले जाते हैं, फिर उसको उसको स्मॉल स्मॉल अपन जो उसको स्ट्रिप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फट्टों में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आरा मशीन, आपने देखी होगी वहां पर। सो वो जो मशीन होती है वो आपकी बेंच शो होती है, वहां पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपका जो वर्क पीस है उसको रख दिया और यहां से आपकी कटिंग हो रही है, राइट। व्हेन द पावर इज टर्न ऑन द ड्राइव व्हील्स बिगन टू रोटेट कॉजिंग द स्टॉप लेट टू मूव। तो जब आप पावर ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो व्हील है आपका व्हील्स है वो क्या रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और जो सॉ ब्लेड है आपका वो मूव करनी स्टार्ट करेगी। द कंटिन्यूस ब्लेड ब्लेड कट्स कॉन्स्टेंटली विच रिड्यूसेस सॉइंग टाइम। इसमें क्या होता है कि जो ब्लेड का जो कंटिन्यूस मूवमेंट है, जो ब्लेड घूम रही है कंटिन्यूसली, वो क्या करेगी कॉन्स्टेंटली उसको कटिंग करेगी, और जो सॉइंग टाइम है, जो कटिंग का टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। ब्लेड्स ऑन बेंड सॉज कट मोर एक्यूरेटली देन रेसिप्रोकेटिंग हॉक्सा एंड बिल्ट अप लेस हीट। सो यहाँ पे एक एडवांटेज की बात ये आ रही है कि जो बेंड सॉज हैं वो जो कटिंग करते हैं हमारी, एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस शो दैट वी टॉक अबाउट रेसिप्रोकेटिंग शो, तो जो रेसिप्रोकेटिंग शो है उससे बेटर एक्यूरेट कटिंग यहाँ पे आपकी इस चीज के अंदर, जो बेंच शो है उसके अंदर आती है, और जो हीट इन्वॉल्व होती है, जो हीट इवॉल्व होती है वो बहुत कम होती है, राइट। देन यूजिंग फ्लेक्सिबल बेंच शो ब्लेड्स एंड सिंपल फ्लैशिंग वेल्डिंग इक्विपमेंट्स विच कैन वेल्ड द टू एंड्स ऑफ द स्ट्रिप ऑफ बेंच शो टुगेदर टू फॉर्म अ बैंड ऑफ एनी डिजायर्ड लेंथ, वेरियस एफिशियंट बेंच शोइंग मशीन आर मेड। अब इसको सिंपली क्या है, आपको जिस भी लेंथ का आपको बेंच शो बनाना है तो क्या करना, आप सिंपली वेल्डिंग के साथ में सिंपल फ्लैश वेल्डिंग को यूज करके आप दो ब्लेड्स को ज्वाइन कर सकते हो, और क्या करोगे उसको जितनी भी लेंथ का आपको चाहिए उसको आप उस लेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हो, राइट। सो दिस इज नॉन एज बेंच शो। देन बेंच शो के अंदर हम बात करते हैं, जो उसको क्लासिफाई किया था हमने, वर्टिकल कट ऑफ की बात की थी, राइट। सो वर्टिकल कट ऑफ क्या है, ब्लेड इज इन ए वर्टिकल ओरिएंटेशन सपोर्ट बाय टू व्हील्स। जो ब्लेड है आपका उसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, वर्टिकल ओरिएंटेशन रहेगा। द अपर मोस्ट व्हील इज एन आइडलर व्हील, इट सपोर्ट्स द ब्रॉड शॉ ब्लेड, इट कैन बी रेज एंड लोवर्ड बाय रोटेटिंग द हैंडल लोकेटेड जस्ट अंडर द व्हील टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ द शॉ ब्लेड। सो जो ऊपर वाला जो व्हील है वो सिर्फ आइडलर व्हील, आइडलर व्हील कौन सा होता है, जो सिर्फ सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं आइडलर व्हील, राइट। इट ओनली सपोर्ट्स द शॉ ब्लेड, और वहां पे एक हैंडल लगा रहेगा, राइट। जो हैंडल किस लिए काम करेगा, वो जब हमको मान लो जो भी आपको लेंथ एडजस्ट करनी हो रोटेट करके, उसको अप एंड लो करना हो, तो हम क्या करेंगे उसको उस हैंड से क्या करेंगे, जो आपका हैंडल है उसको रोटेट करके हम उसको ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। द लोअर व्हील सपोर्ट्स द शॉ ब्लेड एज वेल एज एंड प्रोवाइड द ड्राइविंग मोशन टू द ब्लेड। तो जो लोअर सपोर्ट जो व्हील है वो आपका वो सपोर्ट करेगा शॉ ब्लेड को, और उसको एक ड्राइविंग मोशन भी वो प्रोवाइड कराएगा। द वर्टिकल बेंच शॉ इज ऑफन यूज टू रफ कट ए पार्ट नियर फिनिश साइज टू रिमूव एंड एनी एक्सेस मटेरियल बिफोर परफॉर्मिंग अदर मशीनिंग ऑपरेशन। तो वर्टिकल शॉ मशीन क्या करता है, जो कहीं रफ कट वगैरह कटिंग करनी है आपकी, ठीक है, जो कोई भी आपको मशीनिंग ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हो, राइट। सो जब रफ कट वगैरह करने हैं तो वहां पे भी हम वर्टिकल बेंच शॉ को यूज करते हैं। दिस कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस द टाइम एंड टूलिंग नीडेड टू प्रोड्यूस ए फिनिश प्रोडक्ट। इससे क्या होगा कि जो टाइम है वो आपका वो कम हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है आपका वो कम टाइम के अंदर आपका फिनिश हो पाएगा। डिजाइन प्राइमरली फॉर कट ऑफ वर्क ऑन सिंगल स्टेशनरी वर्क पीस दैट कैन बी हेल्ड ऑन अ टेबल। इनिशियली जब इसको यूज किया था किसके लिए, एक सिंगल स्टेशनरी वर्क पीस के लिए इसको डिजाइन किया गया था, जो कि आपके एक टेबल पे क्लैंप कर दिया और क्या किया, वर्क पीस को क्लैंप कर दिया और आपने उसको कट कर लिया। ऑन मैनी मशीन द ब्लेड मैकेनिज्म कैन बी टिल्टेड टू अबाउट 45 डिग्री शोन टू परमिट कटिंग एन एट एन एंगल। दे यूजुअली हैव ऑटोमेटिक पावर फीड ऑफ द ब्लेड इनटू द वर्क
ऑटोमेटिक स्टॉक प्रोविजन ऑफ सप्लाई कूलेंट। तो यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि हम जो बात कर रहे हैं कि वर्टिकल कट ऑफ की बात करें तो हमारे दिमाग में यही बात चलती है कि वर्टिकल कट ऑफ का मतलब ये है कि जो ब्लेड्स हैं वो आपकी वर्टिकली मूव कर रही होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म ऐसी हैं कि जिसको यूज करके हम जो ब्लेड्स हैं उसको हम 45 डिग्री तक टिल्ट कर सकते हैं। तो कोई भी हमें कटिंग करनी हो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर तो हम वो चीज भी उसको देख के कट कर सकते हैं, उसको यूज करके करके हम उसको कट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ए ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट ए वर्टिकल कट ऑफ। देन हॉरिजॉन्टल कट ऑफ की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल कट ऑफ कहाँ यूज होती है? ब्लेड इज ए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में, जो ब्लेड है आपकी वो किस ओरिएंटेशन में होगी? वो आपकी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन के अंदर होगी। इट इज कैपेबल ऑफ कटिंग ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ स्टॉक बहुत क्विकली एंड एक्यूरेटली। सो ये क्या कैपेबल किस लिए है कि बहुत लार्ज पीसेस, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉक हो उसको भी बहुत इजीली और क्विकली और बहुत एक्यूरेटली क्या करेगा, इसको कट कर देगा। आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेट कट्स थ्रू रफ मटेरियल्स, आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेट कट्स थ्रू रॉ मटेरियल्स। तो क्या करता है, जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर क्या करेगा, आइडियल कंडीशन है कि अंदर आप उसके अंदर स्ट्रेट कट काट सकते हो। यूज ए वाइस टू क्लैंप मटेरियल बींग कट। हम क्या करते हैं, एक वाइस को यूज करेंगे यहाँ पे, जिसके लिए जो मटेरियल जिसको आपको कट करना है उसको आपको क्लैंप करने के लिए। इक्विप्ड विद पावर फील्ड्स दैट आर कंट्रोल्ड इधर हाइड्रोलिकली और बाय मींस ऑफ ए सीएनसी। सो यहाँ पे पावर फील्ड्स वगैरह भी इसके अंदर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और पावर फील्ड्स कैसे यूज करेंगे आप इसको हाइड्रोलिकली यूज कर सकते हो या फिर आप सीएनसी के लिए तो यूज भी कर सकते हो। और जैसे हमने कल लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जहां पे भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टिपिकल कंटूरिंग करनी है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स वगैरह को आपको कट करने हैं, तो उस केस के अंदर क्या करते हो आप सीएनसी यूज करते हो। सीएनसी में क्या किया आपने, सीएनसी में आपने जिस पर्टिकुलर शेप की कोडिंग की जाए कट करना वो आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर ली और वो उसी शेप के अंदर इसको कट कर देगा, राइट। सो आप सीएनसी को इसके अंदर यूज कर सकते हो पावर फीड्स के लिए और हाइड्रोलिकली भी इसको यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिक पावर फीड ऑफ द ब्लेड इनटू द वर्क, ऑटोमेटिक स्टॉप्स एंड प्रोविजन फॉर सप्लाइंग कूलेंट, ये सब चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। ऑटोमेटिक स्टॉप, सप्लाइंग कूलेंट, ब्लेड वगैरह, पावर फीड वगैरह, ये सब चीजें हम उस मशीन के अंदर फीड कर सकते हैं। फिगर शोज सम एग्जांपल्स ऑफ मैनुअल हाइड्रोलिक एंड सीएनसी ऑपरेटेड बेंच। देखो ये जो मशीन है ये आपकी मैनुअल है, ये आपकी हाइड्रोलिक मशीन है, एंड दिस इज योर सीएनसी बेंचो मशीन, राइट। सीएनसी बेंचोज आर अवेलेबल विद ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स फॉर द बार स्टॉक बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस कटिंग एक्शन, ठीक है। ऑटोमेटिक स्टोरेज और उनके जो डेटा रिट्रीवल है उनके लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल बेंचोइंग मशीन आर वेरी एफिशियंट, और जो हॉरिजॉन्टल बेंचोइंग मशीन है वो क्या बहुत ही एफिशियंट होती है। नाउ द थर्ड वन इज बेंचो के अंदर जो तीसरी थी वो आपकी थी कॉम्बिनेशन कट ऑफ एंड कंटूरिंग, कॉम्बिनेशन कट ऑफ एंड कंटूर बेंचोस, राइट। सो यूज फॉर कट ऑफ वर्क और कंटूर शोइंग, क्या करना है कट ऑफ वर्क और कंटूर के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूज फॉर कटिंग इरेगुलर शेप्स इन कनेक्शन विद मेकिंग डाइज एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट आर ऑफन इक्विप्ड विद रोटरी टेबल्स, राइट। A table that pivots so that it can be tilted to any angle up to a 45 degree means table कैसे use करेंगे जिसको आप tilt कर सकते हो, कब तक कितने angle तक 45 degree angle तक आप इसको tilt कर सकते हो। Have a small flash butt welder on the vertical column so that a straight length of bench of blade can be welded quickly into continuous bend, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, have a small flash butt welder to vertical column means वहां पे क्या flash welding use करते हैं, so that a quick length of bench of blade can be welded quickly into a continuous blade means flash butt welding से क्या करोगे, जो आपकी जितनी भी desired length है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको increase या decrease करनी हो तो उसको आपको cut करके या फिर उसको वापस उसको join कर सकते हैं। The cutting speed can be varied continuously, जो cutting speed है वो आप उसको vary कर सकते हो, right? A small grinding wheel is located beneath the welder so that the flash can be grounded from the weld to provide a smooth joint that can पास थ्रू द सो गाइड। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्मॉल ग्राइंडिंग व्हील क्या करते हैं, उसके जस्ट जहाँ पे वेल्डिंग करनी होती है उसके नीचे रखते हैं, जिससे कि आपका जो जॉइंट हो वो बहुत ही स्मूथ हो। दिस वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग यूनिट टेक्स मेक इट पॉसिबल टू कट इंटरनल ओपनिंग इन ए पार्ट बाय फर्स्ट ड्रिलिंग ए होल,
ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर होल ड्रिल करते हैं, इंसर्टिंग वन एंड ऑफ द सॉ ब्लेड थ्रू द होल एंड देन बट वेल्डिंग द टू एंड्स टुगेदर। फिर क्या किया उसको आपने, क्या उस होल के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसके बाद में वहां पे हमने बट वेल्डिंग कर दी। व्हेन द कट इज फिनिश्ड द बैंड इज अगेन कट अपार्ट एंड रिमूव फ्रॉम द ओपनिंग। फिर जब आपका कटिंग हो चुकी है, फिनिशिंग कटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद में क्या किया हमने उसको वापस उसको ओपन करके रिमूव कर लिया। अ मेथड ऑफ पावर फीडिंग द वर्क इज प्रोवाइडेड समटाइम्स ग्रेविटी एक्चुएटेड। सो पावर फीडिंग का जो मेथड है वो क्या होता है, ग्रेविटी एक्चुएटेड मीन्स जो फ्रेम का जो वेट है या फिर आगे जो पावर आप दे रहे हैं उसी को यूज करके आपने क्या किया, हम उसको फीड करवा रहे हैं। मेड अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस, इसको क्या कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वाइड रेंज के साइजेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज आवर सर्कुलर शॉस। तो सर्कुलर शॉ की जो हमने बात की थी उसमें क्या है, सर्कुलर शॉ विद मेटेलिक टूथ ब्लेड डिजाइन टू कट मेटल। मीन्स सर्कुलर शॉस क्या है, देखो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पूरी प्लेट है जिसके आउटर सरफेस के फेरी फेरी के ऊपर टीथ बने हुए, राइट। सो सर्कुलर शॉ विद मेटेलिक टूथ ब्लेड डिजाइन टू कट मेटल्स, इनको क्या मेटल्स वगैरह को कट करने के लिए यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट होती है या फिर घर का काम वगैरह जो साइट है जहाँ पे काम चल रहा होता है वहां पे जो अपना स्टील मतलब आयरन जो सरिया है उसको कट करने के लिए ये चीजें वहां पे आपने देखेंगे, वो कटिंग करने के लिए वहां पे यूज करते हैं। तो वो जो चीज है उसको बोलते हैं सर्कुलर शॉ। अवेलेबल ये पिक्चर देख पा रहे हैं इसको, ये देख के आपको ध्यान आएगी चीज, राइट। इट इज अवेलेबल इन बोथ पोर्टेबल एंड फिक्स टाइप। तो ये क्या है, दोनों टाइप में अवेलेबल है। पोर्टेबल की मतलब आप उसके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और फिक्स टाइप भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। हीट जनरेटेड ट्रांसफर टू चिप्स क्रिएटेड ब्लेड एंड मेटल रिमेन्स कूल। जो हीट जनरेट है वो क्या करता है, वो चिप्स के साथ चला जाता है। सॉलिड हाई स्पीड स्टील HSS और टंगस्टन कार्बाइड टिप रीशार्पनेबल सर्कुलर शॉ ब्लेड जो है वो कैसे, मटेरियल किसका होगा, उसका HSS का बना होगा डेफिनेटली, हमें ध्यान ही है। और जो टंगस्टन कार्बाइड है का भी बन सकता है, ठीक है, और उसकी जो टिप है वो रीशार्प की जा सकती है। एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड ए गियर रिडक्शन यूनिट टू रिड्यूस द शॉ ब्लेड रोटेशनल स्पीड वाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट टॉर्क। इलेक्ट्रिक मोटर या और गियर रिडक्शन यूनिट वहां पर लगी होगी, किस लिए, टू रिड्यूस द सॉ ब्लेड्स रोटेशनल स्पीड, उनकी जो रोटेशनल स्पीड है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे गियर लगा हुआ होगा। दिस अलाउज द हाई स्पीड स्टील सॉ ब्लेड टू फीड एट कॉन्स्टेंट रेट विद अ वेरी हाई चिप लोड पर टूथ। कैपेबल ऑफ मशीनिंग मोस्ट फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय, इसको यूज करके अपन मोस्टली जितने भी मटेरियल हैं फेरस नॉन फेरस उन सबको आप यूज कर सकते हो, उनको कट कर सकते हो। मिनिमल बर प्रोडक्शन, फ्यूअर स्पार्क्स, लेस डिकलरेशन एंड नो डस्ट, ठीक है। बर प्रोडक्शन बहुत कम होता है, फ्यूअर स्पार्क्स बहुत कम आते हैं, और डिसकलरेशन नहीं हो पाता है, और डस्ट का तो नाम ही नहीं होता, वहां पे बहुत कम डस्ट होती है या नहीं के बराबर होती है। लोअर ब्लेड स्पीड प्रोड्यूस कर्ल्ड मेटल चिप्स इंस्टेड ऑफ फाइंडर्स। कि क्या होगा, जब ब्लेड स्पीड कम होगी तो क्या मिलेंगे आपको, जो मेटल चिप्स मिलेंगे वहां पे, ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ डस्ट ही डस्ट मिलेगी, नहीं, मेटल चिप्स वहां पे मिलेंगे। दे कट कूलर, डू नॉट इफेक्ट द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द वर्क एंड आर मोर एक्यूरेट, राइट। ऑफर सम एडवांटेज ओवर बैंड सॉज सच एज प्रोड्यूसिंग स्मूथ वर्क फिनिशिंग एंड वेरी लिटिल ब्लेड वॉकिंग एंड फ्लेक्सिंग एंड द एबिलिटी टू कट थिन सेक्शन विद लेस टूथ डैमेज। तो ये सब क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं, क्या है कि स्मूथ सरफेस बनता है, वॉकिंग फ्लेक्सिंग नहीं होती, और जो थिन सेक्शन है उनको बहुत इजिली कट कर देता है विदाउट टूथ डैमेज। एंड द लास्ट वन इज आवर एब्रेसिव कट ऑफ शॉस। इट इज ऑल्सो नोन एज कट ऑफ शो और चॉप शो, इसको चॉप शो ही बोलते हैं। यूज टू कट हार्ड मटेरियल सच एज मेटल्स, टाइल एंड कॉन्क्रीट यूजिंग थिन एब्रेसिव डिस्क। सो इसको क्या है कि थिन एब्रेसिव पार्टिकल से बनी हुई डिस्क होती है, उनको यूज करके हम क्या करते हैं, जो हार्ड मटेरियल्स हैं जैसे मेटल्स हैं, टाइल्स हैं, कॉन्क्रीट वगैरह है, तो वहां पे हम इन थिन एब्रेसिव डिस्क को यूज करके कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टेबल टॉप, फ्री हैंड एंड वॉक बिहाइंड मॉडल्स आर अवेलेबल। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं जो ये मार्केट में अवेलेबल है। ए हाई स्पीड मोटर विद एब्रेसिव क्विक डिस्क माउंटेड ऑन इट शाफ्ट दैट कैन प्रोड्यूस कट्स वेरी क्विकली। तो क्या है कि एक हाई स्पीड मोटर जो किसके साथ लगी हुई है, एब्रेसिव कटिंग डिस्क के साथ लगी हुई है, राइट। तो जब वो मोटर जितनी आरपीएम से घूमेगी तो वो भी उतनी आरपीएम से घूमेगा, राइट। सो इससे क्या होगा, जो कटिंग है वो बहुत ही क्विक हो जाएगी। इट एब्रेड्स द मेटल एंड जनरेट्स अ ग्रेट डील ऑफ हीट व्हिच एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल बीइंग कट एंड शॉप ब्लेड।
सो जब ये कटिंग होती है तो क्या होती है, वहां पे जो हीट जनरेट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। हीट जनरेशन कितना होता है, काफी हीट जनरेशन होता है, और वो किसके द्वारा, मेटल और जो सॉ ब्लेड है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बोथ द मटेरियल बीइंग कट एंड ब्लेड एक्सपेंड बाय हीट जनरेटेड थ्रू फ्रिक्शन, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग ब्लेड वियर एंड ग्रेटर एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, तो यहां पे जो कट करते हैं, जिस मटेरियल से कट करते हैं उसको, और जो ब्लेड है दोनों एक्सपेंड करते हैं किससे, जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से। हीट जनरेट क्यों होगी, ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, ब्लेड है वो एक्सपेंड होगी और जो मटेरियल है वो भी थोड़ा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ब्लेड वियर है वो थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाएगा और जो एनर्जी कंजप्शन है वो आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। डस्ट एंड स्पार्क क्रिएटेड आर हार्मफुल, जो डस्ट और जो स्पार्क क्रिएट होते हैं वो थोड़े हार्मफुल होते हैं। कैन हीट अप द वर्क पीस एंड कैन चेंज हीट ट्रीटमेंट ऑफ द सेम मेटल्स नियर द कट। कैन हीट अप द वर्क पीस एंड कैन चेंज हीट ट्रीटमेंट ऑफ द सेम मटेरियल नियर द कट, राइट। वर्क पीस को भी हीट कर देता है। जॉब सॉज आर ओकेजनली यूज इन द मशीनिंग एनवायरमेंट बट दे सी मोस्ट ऑफ देयर यूज इन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन फील्ड। सो मेनली तो क्या है कि इनको जो वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन वगैरह, मतलब जहां पे आपने वेल्डिंग कर ली उसके बाद में जो बर्ड्स वगैरह निकल जाते हैं उनको सबको ग्राइंड करने के लिए वहां पे हम उनको यूज करते हैं, राइट। सो इट इज यूज इन वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन फील्ड्स। देन स्टील फ्रिक्शन डिस्क की बात करते हैं। दिस सॉ कंसिस्ट ऑफ स्टील डिस्क दैट रोटेट्स एट हाई पेरिफेरल स्पीड। तो जो स्टील की डिस्क है, फ्रिक्शन डिस्क है, उनकी स्पीड क्या बहुत ज्यादा होती है, 6,000 to 7,000 मीटर पर मिनट इस स्पीड से वो रोटेट करते हैं। द हीट प्रोड्यूस्ड एट द मेटिंग सरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन मेल्ट द पार्ट थ्रू द पाथ बीइंग कट। तो यहां पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से क्या करते हैं, जो दो सरफेस है फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे इससे क्या होगा, जो दो सरफेस कॉन्टेक्ट के अंदर है वो क्या करेंगे, मेल्ट हो जाते हैं। द सॉ ब्लेड देन पुल्स द मोल्टन मटेरियल आउट ऑफ द कर्व। और जो सॉ ब्लेड है फिर क्या करेगा, जो मोल्टन मटेरियल उसको कर्व के बाहर, कर्व क्या होता है वो पोर्शन जहां तक आपकी कटिंग है उसको बोलते हैं हम कर्व। ब्लेड डू नॉट नीड टू बी शार्पन, हैव नो टीथ, ओनली ओकेजनल नॉचेज इन द ब्लेड टू एड इन रिमूविंग द मेटल। तो यहाँ पे रीशार्प करने की बात ही नहीं, क्योंकि इसके कोई टीथ ही नहीं होते, राइट। वेरी क्विक प्रोसेस, बहुत क्विक प्रोसेस है। एंड मेटल्स विद क्रॉस सेक्शन एट हाईएस्ट 600 mm स्क्वायर कैन बी कट इन अबाउट ए हाफ ए मिनट। मीन्स आप कोई मटेरियल जिसका 600 mm स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इतनी मोटी शीट है, उसको भी लगभग आप 30 सेकेंड के अंदर अंदर कट कर सकते हो। टू प्रोवाइड साइड लेंथ एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, कटिंग डिस्क आर यूजली प्रोवाइडेड विद इंडेंटेशंस ऑन देयर सरकमफेरेंस, कॉमनली 2.0 to 3.0 mm डीप। सो यहाँ पे क्या है, साइड क्लियरेंस और फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, इंडेंटेशन देते हैं उनके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, कितना 0.2 से लेकर 3 mm तक उनके अंदर इंडेंटेशन दे देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो साइड क्लियरेंस है और वो मिल जाएगा और जो फ्रिक्शन है वो आपका कम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील्स एंड टूल स्टील्स कैन बी कट मोर इजिली देन हाई कार्बन स्टील्स बाय दिस प्रोसेस। सो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और जो टूल स्टील है वो अपन बहुत इजिली कट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एनी मटेरियल इंक्लूडिंग सेरेमिक्स कैन बी कट बाई फ्रिक्शन सॉइंग। सो इससे क्या, ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स हम कट कर सकते हैं, चाहे सिरेमिक हो, कैसा भी हो, सिरेमिक मतलब काफी हार्ड है, उसको भी आप इससे यूज करके इजिली कट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ सॉइंग, स्पीड ऑफ कटिंग, जो सॉइंग है उससे स्पीड ऑफ कटिंग की बात करते हैं। इसमें स्पीड अच्छी रहती है, लो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एज द विड्थ ऑफ द कर्व इज वेरी स्मॉल। तो जो कर्व की जो विड्थ है, मतलब जो कहाँ जितनी कटिंग होनी है वो बहुत कम होती है, इसलिए क्या जो मटेरियल की जो वेस्टेज है वो बहुत 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 कम होती है। गुड क्वालिटी ऑफ डायमेंशन एक्यूरेसी, जो डायमेंशन एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होती है। एंड लो पावर कंजप्शन, जो पावर कंजप्शन है, पावर रिक्वायरमेंट है, वो कम होती है। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन, हमने इसको क्लासीफाई किया था रेसिप्रोकेटिंग, बेंच ऑफ, राइट, इन सब के बारे में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन के बारे में बात की है, कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ इनका मटेरियल्स कैसा है, और बाद में हमने बात की इसके एडवांटेज ऑफ सॉइंग मशीन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सॉइंग मशीन, होप यू एंजॉय द लेक्चर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।